नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। दोस्तों, 14 जुलाई गुरुवार, आज से शुरू हो रहा है श्रावण महीना। इस महीने में आप किसी भी एक दिन या कंटिन्यू 11 दिन इस मंत्र का जाप कर लें, जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों, कर लेने के लायक है। अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। वीडियो शुरू करूं उसके पहले आप सभी को जानकारी दे दूं कि तमाम लोग जो हमारे चैनल पर घुस चुके हैं वो मेरे नाम से आपको लूट रहे हैं। हमारे यहाँ किसी से भी पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं। ये लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर मेरे ही फोटो के साथ अपने नंबर डाल रहे हैं और आपसे पैसे लूट रहे हैं। इन तमाम लोगों से सावधान रहें। उन तमाम वीडियो से जो लोग अपनी चैनल चलाने के लिए इस टाइप की वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इन लोगों की कमेंट्स अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं, ऐसे तमाम फ्रॉड लोग, चाहे वो यूट्यूबर हैं, चाहे जो दूसरे लोग हैं जो फ्रॉड का काम कर रहे हैं, इनसे सावधान रहें। किसी को भी मेरे नाम से आप पैसे ना दें। जिन लोगों ने पैसे दिए हैं वे लोग भी कंप्लेन करें, उन्हें खुद पता चल जाएगा कि वो लोग किसको पैसा दे रहे हैं। क्योंकि मैं जब से मेरी चैनल बनी है मैं हमेशा इस चीज की जानकारी देती आई हूँ कि कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का आप कॉन्टेक्ट ना करें, ये तमाम नंबर फ्रॉड लोगों के हैं, इनसे सावधान रहें। चलिए आपको दोस्तों सावन महीने का बहुत ही बढ़िया उपाय बता दूं। हमेशा से और आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा एक तकलीफ रही है और वो है पैसे। क्योंकि आज के जमाने में व्यक्ति का मूल्यांकन पैसों से ही किया जा रहा है। यदि किसी के पास ढेरों पैसे हैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, उसको 10 जगह समारोह में बुला करके उसके हार फूल किए जाते हैं। मैंने खुद दोस्तों कितने ऐसे दुष्ट और निम्न कक्षा के लोग देखे जिनके हिस्ट्री यदि आप जानते हो तो उस पर थूक देंगे कि ये तो टोटल इंसान के अंदर कहलाने के भी लायक नहीं है। ये सिर्फ अपने 2 रुपए के लिए किसी का घर बर्बाद कर दे, उस हद तक निम्न कक्षा का इंसान है। और उसको समारोह में बुला करके मैंने हार फूल चढ़ाते लोगों को देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे हैं। तो ये जो हमारी समाज की स्थिति है इसमें बहुत ज्यादा ये जरूरी है कि आपके पास पैसे हो। आप दिल से उसकी इज्जत करते हो ना करते हो, लेकिन यदि आप उसको उसके पास पैसे देखेंगे तो उसको 2-4 फूल उसकी तरफ फेंक ही देंगे। अंदर से आपको घृणा है लेकिन मजबूरी बस आप 2-4 फूल उठाएंगे और फेंक देते हैं, जैसे कुत्ते के आगे लोग रोटी फेंकते हैं। क्योंकि जो दुष्ट है उनका सभी को पता होता है कि ये व्यक्ति दुष्ट है, फिर भी उसके ऊपर फूल फेंकते हैं क्योंकि उन्हें 10 काम निकलवाने होते हैं दुष्टों से। आजकल ज्यादातर कारोबार दुष्टों के हाथों में आ चुका है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पैसे हों, और ये मंत्र दोस्तों हमेशा के लिए आपके घर की गरीबी को हटा सकता है। ये मंत्र रावण द्वारा निर्मित मंत्र है और रावण का ऐश्वर्य पूरी दुनिया को पता है कि रावण क्या था। रावण को मारने के लिए खुद भगवान को जन्म लेना पड़ा, खुद भगवान को इस पृथ्वी पर आना पड़ा था। तो वो रावण जिस मंत्र का जाप करता था, ये शिव जी का गुप्त मंत्र मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें जागृत करते हैं, हमेशा शुद्धता रखें, शारीरिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता, अपने आचरण में शुद्धता, कभी भी किसी का भी गलत ना करें। जब भी आप मंत्रों की शक्ति से जब भी दोस्तों आप धन अर्जित करते हैं, याद रखें, गलत जगह यदि आप उसका यूज करेंगे, किसी के हाय बद्दुआ लेंगे तो धन को जाने में देर नहीं लगती। कई लोगों ने अघोरियों को सिद्ध किया, कुछ लोगों ने कुछ गंदी शक्तियों को सिद्ध किया और पैसे प्राप्त किए और उसके बाद वो जीते जाते जागते राक्षस बन गए क्योंकि पैसा और पावर उनसे हजम नहीं हुआ। तो जब भी आप कोई मंत्र जागृत करते हैं, कोई भी देवी शक्ति को जगाते हैं, उसकी मदद लेते हैं, उसका सहारा लेते हैं, तो प्लीज अपने अंदर के इंसान को हमेशा जागृत रखें। जब भी लाइफ में कोई निर्णय ले हमेशा ये सोचना जरूर कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसका भुगतान जब आप करेंगे कोई भी गलत कर्म का, तब आपको भुगतान करते करते आपके दम निकल जाएंगे।
जब मैं कोई वशीकरण के मंत्र बताती हूँ, शत्रु नाश के बताती हूँ, तब भी मैं हमेशा आप सबको अलर्ट करती हूँ कि कोई भी वजनदार मंत्र को यदि आप सिद्ध करते हैं तो पहले उस मंत्र की शक्ति को पचाने के लायक बने, तब आप उन्हें जागृत करें। ये मंत्र दोस्तों आप सावन महीना में 11 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक दिन आप इसको बैठ जाएं और 11,000 इसके जाप करें। एक दिन बैठते हैं, नहाए धोए तैयार हो जाए, स्वच्छ कपड़े पहने, कोशिश करें कपड़े सफेद कलर के हो या फिर रेड हो, ठीक है। रुद्राक्ष की माला आपको लेनी है, भगवान शिव के आगे आपको दीपक जलाना है। यदि आप फोटो रखते हैं, शिवलिंग है तो शिवलिंग का आप जल से दूध से अभिषेक करें, चंदन लगाएं, घी का दिया अर्पित करें, उन्हें सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। उसके बाद में आप उनका मतलब मिठाई वगैरह कोई भी चीज ले लें जिससे उनका भोग लगाएं, और उसके बाद रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 11,000 जाप कर दें। जो लोग एक दिन में 11,000 जाप नहीं कर सकते हैं, वे लोग 11 दिनों तक रोज एक ही समय, जैसे आज आप सुबह 6 बजे बैठे हैं तो दूसरे दिन भी आपको 6 बजे ही बैठना है, 11 दिनों तक आपको 6 बजे ही सुबह बैठना है, 11 दिनों तक आपको वही कपड़े एक ही कलर के कपड़े पहनने हैं। ये नहीं कि आज आपने लाल पहना कल पीला फिर हरा, नहीं, एवरी डे या तो लाल या सफेद, जो कपड़ा पहनते उसी को वॉश करें, उसी कपड़े को दूसरे दिन फिर से पहन करके पूजा में करें। समय एक रखें, आसन जो आप यूज करते हैं आसन एक ही रखें, माला एक ही रखें। ऐसा नहीं कि आज आपने इस माला से जाप किया है कल दूसरी माला से करें, नहीं, एक ही माला एक ही आसन एक ही समय एक ही कलर के कपड़े, एक ये जो मंत्र है सिर्फ यही एक मंत्र 11 दिनों तक रोज 1,000 मंत्र का जाप करें। 11वें दिन आप एक माला का हवन कर दें, मतलब 108 हवन कर दें। हवन की सामग्री ले आए दुकान से, और आम की या हवन की जो भी लकड़ी आपको मिलती है उन लकड़ियों को जलाकर इसी मंत्र से आहुतियां दे दें, मंत्र बोलते जाएं और आहुति दे दें। जो हवन की सामग्री आप लेकर के आते हैं घर में लाने के बाद उसमें आप तिल चावल चीनी घी ये तमाम चीजें घर में उसमें मिक्स करें, उसके बाद आप हवन करें, ठीक है। एक ही दिन करते हैं तो पूरे जाप हो जाने के बाद आप हवन कर दें, उसके बाद शिव जी की आरती करें और आप उनसे प्रार्थना करें कि जो भी निर्धनता हमारे घर में, जो भी हमारे ऐसे कर्म रहे हैं जिसकी वजह से आज हम गरीब हैं, ये गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर। मंत्र आप बड़े ध्यान से सुने, मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्वा ध्वा स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्वा ध्वा स्वाहा। धन प्राप्ति का दोस्तों ये बहुत पावरफुल मंत्र है, यदि आपने सच्चे मन से इसको कर लिया और इसकी शक्ति जाग गई दुनिया में नाम रोशन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, करके देखिए। हाँ, मंत्रों का जाप करते हैं कोई भी अनुष्ठान पूजा पाठ इस दरमियान ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी का भी मन दुखे ऐसा काम ना करें, किसी को जरा सा भी दुख ना पहुंचाए, किसी व्यक्ति की हंसी ना उड़ाए, किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों का फायदा ना उठाए। कई चालाक लोगों को मैंने देखा है सरल और सहज लोगों का मजाक उड़ाते हुए, उनके अंदर ज्यादा जो होशियारी चालाकी नहीं है उसका फायदा उठाते हैं, ये बहुत बड़ा पाप। कम से कम जब तक आप कोई नाम जप कर रहे हैं ये पाप कभी ना करें। भूखे को भोजन करवाएं, गाय को चारा डालें, जरूरतमंद को उनकी जरूरत की चीजें दें, अपने माता पिता गुरुजन को गलती से भी दुखी ना करें, उनके चरण स्पर्श जरूर करें। जब भी कोई व्रत उपवास पूजा पाठ करते हैं माता पिता के आशीर्वाद जरूर लें। जिस दिन भी जिस समय भी आप इस जप की शुरुआत करते हैं, शुरुआत में सबसे पहले गणपति जी का आवाहन करें, अपने गुरु का, और एक माला गुरु की करें,
एक माला अपने कुलदेवी की, एक माला अपने इष्ट देव की, उसके बाद ही इस माला को शुरू करें, इस मंत्र के जाप को शुरू करें। मंत्र पूरा होने के बाद, अनुष्ठान पूरा होने के बाद सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करें कि मुझसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा कर दें, मेरा कार्य सिद्ध हो इसके लिए मुझे आशीर्वाद दें, अपने गुरु के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद मांगें। जिनके गुरु नहीं है मनुष्य रूप में, वो लोग सिर्फ बोले ओम श्री गुरुवे नमः। हर व्यक्ति के अंदर गुरु मौजूद है, गुरु की शक्ति अपने आप जागती है और आपको सही मार्गदर्शन देती है। जो लोग अपने इष्ट देवी को या इष्ट देवता को नहीं जानते हैं वो लोग जो लोग अपने कुल देवी या कुल देवता को नहीं जानते हैं वो लोग बोले ओम नमो कुल देवी भ्याम नमः, या फिर ओम नमो कुल देवी भ्याम नमः कुल देवता कुल देवता भ्यो नमः। ठीक है, कुल देवी कुल देवता सिर्फ इतना ही बोलकर प्रणाम कर लें। यदि एक एक माला ना कर पाए तो 5-5 मंत्र जाप करने के बाद इस मंत्र की शुरुआत कर दें। जिंदगी में दोस्तों कभी गरीबी आपको टच नहीं करेगी, लिख लें। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।